हाईएस्ट 220 और लोएस्ट यहाँ पर 44 फोर है बेनूफर स्कोरिंग पैटर्न भी आप यहाँ पर देख सकते हो लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें इस टूर्नामेंट के बारे में तो इस टूर्नामेंट में 16 मुकाबले अभी तक खेले जा चुके हैं इनमें से पहले बल्लेबाजी करते हुए आप देखोगे यहाँ पर नौ मुकाबले भाई सेकंड बल्लेबाजी करते हुए सात मुकाबले टीम ने भी किए हैं यदि बात की जाए एवरेज के बारे में तो फर्स्ट इनिंग एवरेज 135 निकल कर आता है ओवरऑल यदि बात की जाए तो 126 सौ यहाँ पर एवरेज अभी तक के खेल गए 16 मुकाबलों में आता है यदि बात की जाए दोस्तों यहाँ पर किस बॉलर के लिए मदद देती है तो पेस बॉलर के लिए यहाँ पर पेस सिक्सटी फाइव परसेंट वहीं स्पिनर के लिए थर्टी फाइव परसेंट लेकिन दोस्तों जैसा मुझे भरोसा है कि टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पिनर स्पिनर्स का भी डोमिनेशन बढ़ेगा तो उसी हिसाब से दोस्तों आपके लिए उसी के अकॉर्डिंग अपनी टीम तैयार करनी है आप यहाँ पर देखोगे सेट सनराइज के बारे में सेट सनराइज का जो मुकाबला खेला गया था दोस्तों जो रिसेंटली मुकाबला खेला गया था इसमें इनाम उलक ने चार रन बनाए थे और लेनन समन्स ने छः रन बनाए बनाए थे उसके बाद दोस्तों इससे पहले यदि आप इनाम उलक का देखोगे 78 18 45 मतलब ₹78 और 45 की दो इनिंग्स इन्होंने शानदार खेलकर दी है उसके अलावा लेवंडन समन्स का देखोगे तो एक शतक भी इन्होंने इसमें लगाई है जी हां दोस्तों बल्लेबाज शानदार है लेकिन लास्ट मैच में ये फेल हो गए थे कोलिन इंग्राम को दोस्तों नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था और मोहम्मद मिथुन ऊपर बल्लेबाजी के लिए आए थे मोहम्मद मिथुन का यदि आप देखोगे तो लास्ट मुकाबले में सेवन टू टू रन कर कर आ रहे हैं हालांकि इससे पहले दोस्तों आउट ऑफ फॉर्म थे लेकिन बल्लेबाज बहुत शानदार है मोहम्मद मिथुन बिल्कुल डेफिनेटली आप इन्हें मोहम्मद मेथुन को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो उसके बाद बात की जाए दोस्तों यहां पर बाबू आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आए थे रवि बोपारा ने भी कुछ नहीं किया था यहाँ पर यदि आप देखोगे मुस्जैक हुसैन शानदार बल्लेबाज की थर्टी रन की इनिंग्स खेल कर दी और अपनी टीम के लिए एक दोस्तों स्ट्रॉन्ग फिनिश इन्होंने किया था उसके बाद बात कर मोहम्मद मिथुन के बारे में आपके लिए

इम्पोर्टेंट गेंदबाज हैं भैया दोस्तों इम्पोर्टेंट गेंदबाज हैं इनको आप अपनी टीम में ट्राई कर कर चल सकते हो वहीं बात की जाए दोस्तों यहाँ पर फॉर्च्यून फॉर्च्यूनसल के बारे में तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर मेमुन सहयार आपके लिए ओपन की थी लास्ट मुकाबले में सिर्फ एक विकेट ही निकाल पाए थे दोस्तों ज़्यादा कुछ ये नहीं कर पाए इसके बाद क्रिस गेल इंपोर्टेंट प्लेयर हैं दोस्तों क्रिस गिल हालांकि मेरे हिसाब से अब इन्हें संन्यास लेना ले लेना चाहिए और नहीं खेलना चाहिए 42 प्लस इनकी एज है उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर, कर दे रहे हैं आप देखोगे पच्चीस रन पैंतालीस रन और छत्तीस रन तीन इनिंग्स इनके बल्लेबाज इनके बल्ले से अच्छी आई है दोस्तों पाँच मुकाबले में बल्लेबाज अच्छे हैं बिल्कुल डेफिनेटली आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो उसके अलावा बात करें दोस्तों नई नईम हुसैन सेंटेनो सेंटेनो के बारे में बात करें तो 28 रन 45 रन 29 रन और 36 रन इन्हें लगभग तीन से चार मुकाबलों में दोस्तों स्टार्ट मिला है लेकिन उस स्टार्ट को ये बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए दोस्तों और इनके बारे में कोई दोस्तों टीम के बारे में मेरे पास कोई भी अपडेट आएगी ना तो टेलीग्राम पर मिलेगी तो प्लीज आप टेलीग्राम जरूर जुड़ जाइएगा

और दोस्तों यहाँ पर दो दो रन एक विकेट तो इम्पोर्टेंट बल्लेबाज और गेंदबाज हैं उसके अलावा बात करें दोस्तों हेरोडॉय के बारे में है, हैरी मेंरीडॉय हैरी के बारे में यदि बात की जाए तो तेईस रन और बाईस रन मात्र तो दो इनिंग्स अच्छी खेली हैं दोस्तों बैन बराबू एक मुकाबले में याद हो आपको तो इन्हें ओपन करने के लिए भेजा गया था लेकिन ओपन में भी ज़्यादा एक कुछ नहीं कर पाए थे आप यहाँ पर देखोगे तो दो विकेट तीन विकेट तीन विकेट एक विकेट एक विकेट तो इम्पोर्टेंट प्लेयर आपके लिए हो जाते हैं डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं और आप इन्हें अपनी टीम में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई Okay.

तो बिल्कुल मेहंदी हसन राणा को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो उसके अलावा मुजीबुर रहमान मुजीबुर रहमान का आप देखोगे तीन विकेट फिर विकेट नहीं मिला फिर दो विकेट मतलब तीन मुकाबले में पांच विकेट इन्होंने निकाले हैं और डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे जी दोस्तों ड्वेन ब्राबो के साथ मिलकर डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे शरीफुल इस्लाम आप इनका देखोगे एक विकेट एक विकेट दो विकेट और एक मुकाबला इनका विकेट लेस रहा है तो दोस्तों इनकी जो गेंदबाजी है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी है तो उसी हिसाब से दोस्तों हमें गेंदबाजी के हिसाब से ही हमारी टीम तैयार करनी है किस टीम के सामने वाली टीम के कितने बल्लेबाज लेना है या नहीं लेना इसके बारे में भी हम दोस्तों अभी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं हमारी ड्रीम इलेवन टीम के बारे में तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन के बारे में चर्चा की जाए यहां पर आपके पास तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पर नरुल हसन मोहम्मद

तो मैं यहाँ पर इन्हें अपनी टीम में ट्राई करेंगे करूँगा और दोस्तों नईम हसन सेंटेनो को भी अपनी टीम में यहाँ पर ट्राई करूँगा उसके अलावा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है कॉलेन जो कि दोस्तों शुरुआत में इन्होंने कुछ इनिंग्स ठीक ठाक खेलकर दी थी लेकिन उसके बाद दोस्तों इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए उसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पर मेहंदी हसन आपके लिए थोड़ा ठीक ठाक ऑप्शन हो जाता है इतना अच्छा ऑप्शन तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन ठीक ठाक ऑप्शन हो जाता है उसके बाद बात की जाए दोस्तों यहाँ पर हेरिडॉय हैर, के बारे में तो आप इन्हें अपनी टीम में और सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में आप ट्राई मत करना तो फिलहाल की स्थिति में तो मैं ये तीन बल्लेबाज लेकर चल रहा हूँ अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में दोस्तों मैंने जैसा कि बताया आपके लिए यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यहाँ पर दोस्तों अल हसन को ट्राई करूँगा मैं ड्वेन बराबू को और सुहाग गाजी सुहाग गाजी को आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो लेकिन दोस्तों इन दोनों को बिल्कुल दो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो <clears throat> मुख्तार अली दोस्तों गेंदबाज़ कम बल्लेबाज हैं गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं है बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं डेथ ओवर में ये बल्लेबाजी के लिए आएंगे और गेंदबाजी शायद इतनी आप लिए कर कर ना दे तो दोस्तों आप चाहो तो सुहाग गाजी को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो और यहाँ पर ये दोनों आपके पास बेस्ट ऑप्शन है एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन की के। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में मुजीबर रहमान दोस्तों यहाँ पर नजरूल इस्लाम को ट्राई करूँगा और तस्किन अहमद यदि खेलेंगे तो इनके बारे में अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मिलेगी प्लीज़ आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा उसके अलावा मेहंदी हसन राणा इन तीन गेंदबाजों को तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली अपनी टीम में ट्राई करने वाला आप दोस्तों मेरे पास नौ प्लेयर हो गए मुझे दो प्लेयर लेना है आप उसमें दोस्तों देख सकते हो कि पांच गेंदबाज मेरे पास ऑलमोस्ट हो गए और बल्लेबाज भी मेरे पास पांच हो गए तो दोस्तों यहां पर मैं कुछ बल्लेबाज ट्राई करना चाहूंगा मैं यहां पर हुसैन को अपनी टीम में ट्राई करूंगा क्योंकि दोस्तों ये गेंदबाजी भी करेंगे और साथ में बल्लेबाजी भी करेंगे तो मैं यहां पर हुसैन को अपनी टीम में ट्राई करूंगा उसके बाद दोस्तों आप चाहो तो यहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन में अनिमुल को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप आपकी टीम तैयार कर सकते हो अब बात की जाए दोस्तों यहां पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बारे में तो दो ऑप्शन मैंने आपके लिए बेस्ट बताई है या दोस्तों आप यहां पर अनिमुल की जगह यदि आप इनका किसी बल्लेबाज ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो एक यहाँ पर इनका बल्लेबाज ड्रॉप कर सकते हो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि सामने वाली टीम की गेंदबाजी स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पर चार बॉलर देख भी सकते हो लेकिन आप सोच रहे हो कि मैंने इनके बल्ले बल्लेबाज भी ले लिया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनके पास इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं है गेल को ले लिया मैंने यहाँ पर नईम हसन सेंटेनो को ले लिया और तीन बल्लेबाज हो गए साकेब अल हसन को ले लिया एक मैंने सिर्फ टॉप फोर में से एक बल्लेबाज इनका ड्रॉप किया और इनका एक भी बल्लेबाज ड्रॉप नहीं किया यदि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर वन के आसपास स्कोर बनता है तो इन